हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SGPGI फार्मासिस्ट। ठीक है, SGPGI फार्मासिस्ट जो भी एग्जाम हुए हैं आज के डेट में, ठीक है, 15 दिसंबर 2023 के डेट में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसका एग्जाम रिव्यू हम करने वाले हैं। ठीक है गाइज, जैसा कि देखिए, जो भी कैंडिडेट पेपर दे के आए हैं, ठीक है, कितना उनका गुड अटेम्प्ट हुआ है और कितनी कटआउट जाएगी और पेपर का लेवल कैसा था, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस देखिए, आज की डेट में सेंटर पे हमारे इलाहाबाद में ही सेंटर था, ठीक है, तो उस सेंटर पे हम विजिट किए थे, वहाँ पे जाके कैंडिडेट से मिले थे, पेपर का लेवल के बारे में पता किए थे, ठीक है, और अटेंडेंस देखिए, अटेंडेंस जो भी एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति की बात करें तो लगभग 95% से ज़्यादा उपस्थिति रही, ठीक है। और आप सभी लोग को पता होगा 42 पोस्ट के लिए इसमें कितनी कंपटीशन है, देखिए लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है, इतना टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 25 से 30,000 में, और इसकी प्रेजेंटी में इसी में 95+ प्रेजेंटी है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अटेम्प्ट की बात कर ले तो कैंडिडेट का कितना कितना अटेम्प्ट रहा, तो गाइस और बहुत से कैंडिडेट के 95 से लेकर 95 तक रहा है, बहुत से कैंडिडेट का 80 रहा है, बहुत से कैंडिडेट का 85 रहा है, ओवल आर मान के चलें तो जो एवरेज की बात करें तो 80+ है सभी कैंडिडेट का, ठीक है। और पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत ही आसान था, ठीक है, आसान ही आया था पेपर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि और एग्जाम में पेपर इतना डिफिकल्ट आ जाते हैं और किसी किसी एग्जाम में इतना इजी आ जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है ये लोग किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेपर नहीं है, मजाक हो रहा है, ठीक है। तो पेपर की चाहे टेक्निकल की बात करें चाहे नॉन टेक्निकल की बात करें तो पेपर इजी ही रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही मान के चलते, इजी ही मान के चल सकते हैं आप ओवरऑल, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको पेपर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। वो हालांकि देखिए ऑनलाइन एग्जाम में पूरा क्वेश्चन मिल पाना मुश्किल रहता है, बाकी गाइस देखिए जो भी कैंडिडेट से पूछने पे जो जो मिले हैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन किए हैं हम, और बाकी आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा रहेगा, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे कटाव की बात कर लें तो कटाव देखिए, पेपर आसान होने के कारण कटाव जा सकती है और वैकेंसी भी 42 है, तो आप इतना मान के चलिए अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके नंबर्स 80 से 85 बन रहे हैं, अभी 80 से 85 आप बना पाए हैं तो आपका सिलेक्शन होने की चांस है। और यूआर कैटेगरी से हैं तो 90 के बीच में हैं तो इतना आपका हो जाएगा। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैंडिडेट से पूछने पे पता यही चल रहा है कि किसी का 80 है, किसी का 85 करके आए, किसी का 95 करके आए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल्स जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, 60 नंबर का, ठीक है, ये भी आसान था आपका, और ये 40 नंबर जो आया था नॉन टेक, ये भी आसान था। हालांकि नॉन टेक इतना देखिए, पेपर में आपका जो भी आसान रहता है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं गलत होने का, ठीक है, मैक्सिमम चांस यही रहता है गलत होने का। बाकी 40 नंबर ये नॉन टेक था, इसमें भी कुछ कैंडिडेट मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो फार्मूला बेस पे एक दो क्वेश्चन आए, तो फार्मूला याद ना होने के कारण नहीं बना पाए थे, और रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन एक दो थे जो नहीं कर पाए हैं, और जीके में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे नहीं। देखिए जीके में एक जैसे कि आया था आपके, इसका पूछा था सबसे ज़्यादा IPL कौन सा टीम जीता है, तो ऑप्शन में दे रखा था चेन्नई और भी बेंगलोर ऐसे करके ऑप्शन में दे रखा था, तो वहाँ पे चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और टाइम एंड वर्क के मैथ में, जैसे मैथ में बात कर लें तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज के भी क्वेश्चन, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि टाइम एंड वर्क की बात कर लें तो कोई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दो आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो बताइए उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है, ऐसे तरीके से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक सा पूछा था, जैसे कि दे रखा था किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तथा उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है तो उसका क्रय मूल्य बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए यहाँ पे टाइम एंड दूरी का भी क्वेश्चन पूछा था, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, जैसे कि
कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, तो बताइए डेढ़ घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिलाकर पेपर इजी ही था, और थोड़ा आप देख लीजिए जो भी आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे वो कितना बेसिक पूछा गया था, कितना आसान पूछा था। हालांकि 35 क्वेश्चन है, लेकिन वो आपका जो भी क्वेश्चन है अथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइज देखिए, रीजनिंग में भी क्वेश्चन जो आए थे आपके, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, जैसे कि दो सिक्का है, आप उसको उछालते हैं तो कितनी बार हेड आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे इसका 1/4 आंसर हो जाएगा, 1/4 जो कि है उसका करेक्ट होगा, क्योंकि दो सिक्के को आप जब उछालते हैं तो यहाँ पे 2^2 हो जाता है, तो ये 2×2 = 4 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, देखिए जैसे कि 4 हो गए ना, तो 4 दो बार हेड आ सकता है, दो बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, और उसके बाद एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है हेड आने की एक ही बार प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है, तो 1/4 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। I want nobody but you. I want nobody but you.